जय माता की। आज हम चर्चा करेंगे पति वशीकरण के विषय में। ये जो विषय है तकरीबन बहुत सारी औरतों के विषय में लागू होता है, जिनके पति दूसरी औरतों से संबंध बनाते हैं, उनसे प्रेम करते हैं और अपना धन जुटाते हैं। ये जो विषय है एक ऐसा विषय है, दुख का कारण है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए अपने पति को वश में कर सकते हो। बहुत छोटा सा एक उपाय है, उस उपाय को करने के बाद जिन औरतों के पति उनसे रुष्ट रहते हैं, उनको तंग रखते हैं, परेशान रखते हैं, उनकी वो कदर करेंगे और उनकी हर बात को मानेंगे। तो विषय को आरंभ करने से पहले मैं एक बार कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को दबाएं, लाइक और शेयर करें ताकि ये जानकारी औरों तक पहुंचे। विषय को आरंभ करने के लिए इस विषय से संबंधित कुछ जरूरतें जो सामान की हैं वो बताता हूं। आटा चाहिए और एक तराजू चाहिए और उल्टे पांव की चप्पल। जो औरत अपने पति को वश में करना चाहती है उसको रखें शुक्रवार के रोज उल्टे पांव की चप्पल के बराबर आटा तोलें और उस आटे की चार रोटियां बनाएं। अगर आटा कम हो तोलने के बाद उसमें कुछ और आटा मिला लें और चार रोटियां बनाएं। उन रोटियों को बनाने के बाद संध्या काल में या सवेरे तो नहीं खिलानी है, शाम के समय उन चार रोटियों को स्वर प्रसंग दे के उनको भोजन करा दें। ध्यान ये रखें कि इस बात की चर्चा किसी और के सामने ना हो। ये कार्य होने के बाद आप उन बर्तनों को रात में धोएं नहीं, सुबह धोएं। ऐसा करने से जिन औरतों के पति उनसे रुष्ट रहते हैं, उनको तंग रखते हैं और उनकी बात नहीं मानते, वो उनकी बात को मानेंगे और उनसे प्रसन्न रहेंगे। एक बार मैं फिर कहूंगा, इस विषय को आरंभ किया था जब भी और अंत में भी मैं ये कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद कहूंगा। जय माता।